हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गुड मॉर्निंग। तो देखो सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही हूँ मैं। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं वृंदावन बाके बिहारी जी के धाम। तो कुछ कितने हमें 1.5 साल हो गए ना। हाँ लड्डू के सेकंड बर्थडे पे गए थे तो हाँ 1.5 साल हो गए। तो आज हम लोग जा रहे हैं, शायद आज ही हमारा बुलावा था। तो आज हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। ओहो My laddu is also ready. Okay, papa. Ah. Oh. ऐसे लग रहा था। हाँ बारिश का तो मौसम लग तो रहा है। क्या हो गया? छाता अंदर ही है। पापा। कैसे बादल बादल हो रखा है? देखो। मस्त है ऐसे। साई बाकी हो फिर क्या? मौसम ऐसे ही रहे बस बारिश ना। देखो जाएगी होगी। हाँ कोई बात नहीं। लास्ट टाइम जब हम गए थे तब ये घर वगैरह और नहीं बना था। इनफैक्ट हमने प्लॉट भी नहीं खरीदा था। तो हम लोग लास्ट टाइम बोल के आए थे कि प्लॉट हो जाए घर बन जाए तो दर्शन करने आएंगे। तो वही पिछले 2 महीने से रमेश को ये था कि चलना है लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज हो गया तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं। क्यों रमेश खुशी? हाँ फाइनली जा रहे हैं क्योंकि बीच में तो सर्दी की वजह से फॉग वॉक था, इस वजह से जाने का वो नहीं था क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। लेकिन आज फाइनली बन ही गया प्लान। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय जय। पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगाने का कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हाँ आप लगा कर मतलब स्लिप ले लिए लगा के आप हो आओ दर्शन करके आ जाओ। तो हम लोगों ने ये जुगाड़ बिठाया कि आज हम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ सेफ सी जगह ढूंढ के हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी और फिर यहाँ से हमने लिया ऑटो और निकल पड़े हम बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो रियाद का ये फर्स्ट टाइम था ऑटो में, काफ़ी खुश था। और जब भी मंदिर जाते हैं ना तो एक अलग ही उत्साह रहता है ये मन में। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज छुट्टी का भी दिन था। मेरे ख्याल से महावीर जयंती थी जब हम इस दिन हम निकले थे। तो बहुत छुट्टी का दिन था तो बहुत भीड़ थी और किसी तरीके से मैंने भी मैनेज किया कि खुद तो दर्शन करूँ और साथ में आप सभी को भी दर्शन कराऊँ। तो ये छोटी सी प्यारी सी क्लिप आपके लिए भी और जी भर के देख लीजिएगा बाके बिहारी जी को। दर्शन हो गए और इतने अच्छा दर्शन हो गए, मतलब इतनी बार आए हैं इस बार के सबसे अच्छे दर्शन हुए। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ कि क्या बताए, मतलब सब धक्का धक्का दे दे के आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल गैप ही नहीं था। कि अभी आते वक्त ना ऑटो में एक अंकल जी थे, वो कह रहे मैं तो 23 साल से आ रहा हूँ और साल के कम से कम 4-5 चक्कर मेरे लगते हैं दर्शन करने आता हूँ। कह रहे ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। हम दो जोड़ी चप्पल लेके आए थे, हम एक वहीं रह गई। हम एक्चुअली पहले सोच के आए थे कि चप्पल तो मिलनी है नहीं, हम दो दो जोड़ी चप्पल लाए थे। बट लड्डू का क्या, लड्डू चप्पल लेके नहीं आया, सब जूते ही लेके आया। तो लड्डू नंगा है बिना चप्पल के, हम दोनों चप्पल पहन रखे। शूज ही नहीं उतार रहा, हमने बोला गोदी में रहेगा शूज उतार ले, नहीं भैया ऐसे गया
ऐसा था कि जहाँ से आपने एंट्री करी है वहाँ से तो एग्जिट कर ही नहीं सकते, दूसरा रास्ता बना रखा था क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। तो वो भैया लड्डू के शूज़ तो गए, नए नए मेरे शूज़ गए और बस फिर आप लोग आ गए। हम लोगों ने बोला कि ट्राई करना बेकार है, तो बस अभी यार तनंगे पाओ लड्डू शूज़ का है नहीं और पहन ले, और पहन ले शूज। मना किया था ना, आज पूरा वृंदावन नंगे पैर घूमे, इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है नहीं रमेश, इतना मजा आया। अभी ना हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग जा रहे क्या होके भी आ गए लेकिन मंदिर क्लोज है। अभी हम लोग दीप करोरी बाबा के आश्रम जा रहे थे, यहाँ पे जो उनका आश्रम है, होके भी आ गए लेकिन 3 बजे। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में, लगे रहने देते हैं और ऑटो लेकर ही हम लोग डायरेक्ट निकल गए। तो वो जैसे ही वहाँ पे गए ना तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम नहीं है, 3 बजे आना आप। तो हम लोगों ने बोला फिर वापस से ऑटो लेकर हम लोग अभी पार्किंग लेके आए, मतलब पार्किंग से गाड़ी निकाल दिए, हम कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद 3 बजे जाएंगे। तो अभी फिर वापस से चलेंगे 3 बजे, 3 बजे तक यहीं रुके, तो 1 भी नहीं बजा, बोले ही बो रहा है। तो सुबह से कुछ खा पी के तो निकले नहीं थे, तो यहाँ पर यही एक शॉप मिली जहाँ पर मस्त आलू की सब्ज़ी और पूड़ी मिल रही थी साथ में, तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया और मस्त साथ में ठंडा सा कोल्ड ड्रिंक लिया। और यहीं अभी थोड़ा सा लंच करेंगे और थोड़ा फिर इसके बाद देखते हैं गाड़ी से थोड़ा इधर उधर होके घूम के थोड़ा 3 बजे तक टाइम काटने की कोशिश करेंगे। तो बस हमारा लंच हो गया है और अब पहुँचते हैं हम लोग नीम करोली बाबा जी के आश्रम। तो चलिए आपको फिर घुमाती हूँ। तो ये है बाबा नीम करोली जी का आश्रम जो कि वृंदावन में है। बहुत लोग नहीं जानते कि वृंदावन में भी इनका आश्रम है। नैनीताल के बारे में, कैची धाम के बारे में तो सब लोग जानते हैं और कुछ दिनों पहले तक तो हमें भी इस बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और जैसे कि हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग वृंदावन आएंगे, तो थोड़ा बहुत पता नहीं कहाँ से कैसे हमें पता चला, और शायद आज बुलावा था तो शायद हमें पता चल गया। तो जैसे ही हम लोग एंटर करें और एंटर करने के साथ साथ ना राइट हैंड साइड में ये पहले तो हनुमान जी का एक मंदिर है और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रही थी क्योंकि 2 दिन बाद ही हनुमान जयंती भी है, इसलिए शायद डेकोरेशन जो है किया जा रहा था। लेफ्ट हैंड साइड में शिव जी का भी एक मंदिर था और पीछे बाबा जी की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। और थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे बहुत लोग। और इसके और आगे चले तो यहाँ पर बाबा जी की समाधि स्थल है और बहुत सुंदर सा मतलब गार्डन, मतलब जिस तरीके से एक आश्रम होता है, बहुत बहुत शीतल वाली एक एनवायरनमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक पीसफुल ऑरा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा एक ऑरा था जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल था, बहुत ज़्यादा पीसफुल। और सामने देखेंगे तो ये बाबा जी की कुटिया है और यहाँ की एक स्पेशल बात है जो कि मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ठीक सामने बाबा जी की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो है और उनके चरण भी है। और इसी के साइड में अगर आप देखें ना तो एक छोटा सा एक डोर देखेंगे, वहाँ पर एक रूम है जो बाबा जी का रूम है जहाँ पे वो मेडिटेशन किया करते थे। और यहाँ पर इतनी पावरफुल वाइब्रेशन है इसके अंदर कि मैं क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते, कुछ चीज़ें आपको खुद ही एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो कभी भी आप आए तो इस रूम में 5 मिनट ज़रूर चैंटिंग करके ज़रूर जाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो मंदिर जो था मैं बोल रही थी कि बंद है अभी 3 बजे खुलेगा, तो वो ये मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की बहुत सुंदर सी प्रतिमा थी और नीचे ही बाबा जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। और दूसरी तरफ देखें तो नीम करोली बाबा जी की भी एक बड़ी प्यारी सी एक प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थित थी। तो ये हमारे पहले ही दर्शन थे नीम करोली बाबा जी के और मैं यही दुआ करती हूँ उनको कि जल्द से जल्द वो हमें नैनीताल कैची धाम में भी ज़रूर बुलाएं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आश्रम में भी हम होके आ गए, बहुत अच्छे दर्शन है वहाँ पर भी। और वहाँ पे ना एक जगह थी बाबा जी की कुटिया ना, भजन की जिसमें वो मेडिटेशन करते थे, वहाँ अगर 5 मिनट भी बैठ जाओगे ना वहाँ की वाइब्रेशन ही अलग है।
मैं मतलब रियाद को तो हम लेके नहीं जा पाए थे, रियाद बहुत बदमाशी कर रहा था, तो रमेश कहता है कि तू पहले हो क्या, तो फिर मैं अंदर से होके मैं रमेश अंदर जल्दी जल्दी जाओ, अलग ही वाइब्रेशन थी वहाँ की, तो बहुत अच्छा लगा आज बाकी बिहारी जी के भी दर्शन करके आए और यहाँ आश्रम में भी होके आए, यहाँ तो हमारा पहले फर्स्ट टाइम ही आए थे और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, एक जगह और जाना था, रमेश कह रहा था कि अभी जाएंगे तो ना लेट हो जाएंगे, एक ना गुरुजी है जो कि प्रवचन देते हैं यहाँ पे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ यूट्यूब में बहुत उनके मतलब वीडियोस वगैरह वायरल है, तो वहाँ जाने का बहुत मन था, हमने किसी से एड्रेस वगैरह भी पता किया था, पास में ही था लेकिन अभी वहाँ जाते ना तो बहुत टाइम लग जाता, और क्योंकि ना उनका टाइमिंग भी शायद 3:30 या 4 बजे से था, तो हमने बोला कि बहुत लेट हो जाता, आज सुबह भी हम लोग मतलब हमेशा जैसे अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तो आज नोएडा से तो 8 बजे निकले थे, आज लेट निकले थे, तो नेक्स्ट टाइम इसलिए हम लोग लेट भी निकले थे, तो फिर अगली नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जैसे हमेशा निकलते हैं, फिर तीनों जगह है नेक्स्ट टाइम होके आएंगे जरूर, रमेश याद से है ना, अगली बार तो पहले नीम करौली बाबा मंदिर फिर दर्शन करेंगे फिर आते टाइम महादेव आएंगे सच में। वापस आ चुके हैं हम घर, कुछ 6 बज रहे हैं अभी और 6 बजे हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो और अभी बीच में हम लोग मार्केट भी चले गए थे क्योंकि रियाद के ना जो शूज़ लेने थे हमें वो उसके क्रिकेट प्रैक्टिस के हैं ना, तो फिर आते वक्त हम लोग भी शूज़ लेने चले गए थे, बस अभी प्रसाद लेके आई हूँ आप लोगों को भी खिलाती हूँ, साथ ही साथ ना अपने नेबर में भी डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएंगे, फिर बैठेंगे आराम से। ये लीजिए पहला प्रसाद आप लोगों के लिए सबके लिए, लड्डू के शूज कहाँ, कौन ले गया लड्डू के शूज, ये और पहले वाले शूज कहाँ है, जय जय को छोड़ा है, जय जय ने ले लिए, हाँ। बताओ किसने ले लिए, इतने भी है। आज मजा आया, हाँ। मजा आया, हाँ। तो बस आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और होप करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।